हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला चल रही थी उसी कड़ी में हमने गद्य भाग क्षितिज भाग फर्स्ट से प्रारंभ किया था। क्षितिज भाग प्रथम का पहला जो अध्याय था गद्य भाग में मुंशी प्रेमचंद जो कि उपन्यास सम्राट भी कहलाते हैं उनके द्वारा लिखा हुआ जो चैप्टर था वो अपने पाठ्यक्रम से अपन चला रहे थे। दो बेलों की कथा नाम से जो शीर्षक नाम से जो दिया गया है जो अध्याय उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। चौथा जो दृश्य चल रहा था अंतिम दृश्य चल रहा था। अंतिम दृश्य के अंदर जो है पेज संख्या 17 जो है यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। कल तक की जो क्लास थी आपकी अंतिम जो कक्षा थी ऑनलाइन वहाँ तक उसमें अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज इसी क्रम में अपन आगे की तरफ चलेंगे और आगे का जो अध्याय है उसे पूरा करेंगे। तो आप सभी जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज संख्या 17 पर आ जाए, यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखो, अब हीरा और मोती दोनों कांजी हाउस जो था उस कांजी हाउस के अंदर बंद हो जाते हैं। उनको जो है आवारा पशु जो दूसरे थे उनके साथ बंद कर दिया जाता है। पहले हीरा प्रयास करता है भागने के लिए दीवार तोड़ने का। वहां पर और भी पालतू पशु हैं जैसे भैंसे हैं, बकरियां हैं, गधे हैं, तो वो सब मरियल से पड़े रहते हैं। तो हीरा प्रयास करता है सबसे पहले कि अपने साथ साथ ये भी बच जाएंगे, लेकिन वहां से चौकीदार आ जाता है तो उसको बहुत मार पड़ती है और मोटे रस्ते से उसको बांध दिया जाता है। उसके बाद में मोती जो है वो लगातार उसी स्थान पर अपने सिंगों से प्रयास करता है, दीवार गिर जाती है, बाकी सभी चले जाते हैं। दो गधे रह जाते हैं, उनको भी मोती जो है अपने सिंगों से मारकर बाहर निकाल देता है। लेकिन हीरा बहुत ही मोटी रस्सी से बंधा होने के कारण वो उसकी रस्सी को नहीं तोड़ पाता। इस कारण से मोती भी उसको छोड़कर नहीं जाता है क्योंकि वो संगी है, साथी है, दोनों मित्र हैं, तो इसलिए वो छोड़कर नहीं जाते हैं। अगले दिन जो है जब वापस कांजी हाउस के जो लोग आते हैं तो मोती को देखकर समझ जाते हैं काम इसके द्वारा किया है। मोती को भी खूब पिटाई पड़ती है और उसको भी मोटे रस्ते से बांध दिया जाता है। फिर उन दोनों की नीलामी का समय आता है। जो भी आते हैं उनको देखते हैं लेकिन वो बहुत कमजोर हो गए थे, कटरियाँ यानी हड्डियाँ उनकी बाहर निकल गई थी, फसलियाँ उनकी बाहर निकल गई थी, इसलिए जो है कोई भी उनका खरीदार नहीं मिलता, कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता है। फिर एक दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है और उसकी आंखों में जो है एक अलग ही तरह की अग्नि दिखती है, यानी कि वो कसाई होता है, तो वो उसको उन दोनों को खरीद लेता है या खरीदने की बात करता है। तो यहाँ तक अपन ने पूर्व की कक्षाओं में जो है अपन ने पढ़ लिया था। आगे चलेंगे नीलाम हो जाने के बाद, यहाँ पर मैंने आपको टिक मार्क करा दिया था, यहीं से आज अगली कक्षा जो है अपन प्रारंभ करेंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। नीलाम हो जाने यानी उनकी नीलामी लगाई गई और नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र जो थे वो उस दड़ियल का मतलब दाढ़ी वाला, जिसके जो है चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई थी, ऐसे दड़ियल के साथ चले। दड़ियल यानी उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। दोनों जो थे उनके शरीर के जो अंग अंग हैं मानो उसमें कपकपी सी जो है लग रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे। दोनों जो है ऐसी स्थिति में आ गए थे कि बेचारे अपने पैर भी ना उठा सकते थे। पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे। लेकिन भय यानी कि डर में बहुत था, तो डर के मारे उस किसका डर था, उस दड़ियल आदमी का उन्हें डर था, इसके कारण से वो गिरते पड़ते जो हैं भाग गए, भागते चले। क्योंकि वे जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, क्योंकि वो जो दड़ियल आदमी था वो जरा भी यानी थोड़ी भी चाल अगर धीमी हो जाती
तो चाल धीमी होने पर वह क्या करता, एक डंडा जमा देता, यानी एक डंडा जोर से उनकी पीठ पर मार देता। राहा में, राहा कहते हैं रस्ते को, राहा यानी रस्ते में, गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। कि रस्ते के अंदर गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ कहते हैं समूह को, रेवड़ पशुओं का समूह लिख देता हूं, उसको पूरा ही लिख देता हूं, पशुओं का समूह, पशुओं का समूह। तो उन्हें रेवड़ जो है नजर आया, सभी जो है रेवड़ हरे हरे हार में यानी हरे हरे खेत में चलता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे कि उसके अंदर उस समूह में सारे जानवर जो है बड़े प्रसन्न थे, चिकने चपल, सब दिखने में बिल्कुल चिकने चपल यानी चंचल, चपल चपल का मतलब हो जाएगा चंचल, जिनमें फुर्ती हो ऐसे, तो दिखने में बड़े क्या थे, चपल थे, चिकने थे दिखने में, मतलब उनके खाने पीने से वो हष्टपुष्ट थे, तो उनकी जो चमड़ी थी बिल्कुल चिकनी हो रखी थी। और दूसरी बात, उसमें जैसे जो कोई रोगी पशु होता है तो वो मरा मरा सा लगता है, उसकी जो है शरीर में भी चमक नहीं दिखती है, तो इसलिए जो है, लेकिन ये सब क्या थे, ये रेवड़ एक समूह था और ये बढ़िया पालतू पशुओं का समूह था, तो बढ़िया खा रहे पी रहे थे, उनके शरीर में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी और बहुत चंचल ये नजर आ रहे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागु करता था, अब कोई तो उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागु, पागु का मतलब जुगाली, जुगाली समझते हो आप लोग, जुगाली मतलब जानवर मुंह चलाते रहते हैं ना, भोजन करने के बाद में भी वो अपना मुंह जो है उनका चलता रहता है, तो वो जुगाली करना, उसे कहते हैं जुगाली करना। तो कोई आनंद से बैठकर पाकुर जो है वो पाकुर करता था यानी जुगाली करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, इन सभी पालतू पशु, ये रेवड़ का जो समूह था, इन पालतू पशुओं का या पशुओं का जो समूह था, इनका जीवन कितना सुखी था, पर कितने स्वार्थी हैं सब। लेकिन दोनों हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदिक के हाथ कैसे दुखी हैं। देखो, किसी को भी ये चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदिक, बदिक, बदिक का मतलब हो जाए कसाई, कसाई, कि बदिक के हाथ यानी कसाई के हाथ जो है पड़े हुए हैं और कैसे दुखी है। वो सब चलने में मस्त थे, उछलने में मस्त थे, कोई जुगाली कर रहा था, लेकिन किसी को भी ये चिंता नहीं थी कि ये दोनों भाई इस कसाई के हाथ पड़े हुए कितने दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, सहसा यानी अचानक से, सहसा का मतलब पहले पता चुका हूँ, अचानक से, तो अचानक से जो दोनों थे, अचानक से हीरा और मोती जो दोनों पशु थे, उनको ऐसा याद हुआ, उन्हें ये मालूम हुआ कि ये परिचित राहा, राहा यानी पहले भी बता चुका हूँ, आपको लिख देता हूँ एक बार, बार बार में आ रहा है, राहा रास्ता, राहा का मतलब हो गया रास्ता, ये क्या है, ये परिचित यानी जानी पहचानी, जाना पहचाना या जानी पहचाना, तो क्या था, जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, और उन्हें याद आई कि हाँ यही वो रास्ता है जिससे झुरी का साला जिसका नाम गया था वो उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे, कि वही खेत आने लगे, वही बाग आने लगे और वही गांव जो है वो मिलने लगे। प्रतिशण, प्रतिशण यानी क्षण क्षण, क्षण के बाद क्षण, प्रतिशण यानी हर पल, अपन कह सकते हैं कि हर पल उनकी चाल तेज होने लगी,
प्रतिशत यानी हर पल उनकी चाल जो थी वो तेज होने लगी। लिख देता हूं प्रतिशत भी लिख देता हूं, प्रतिशत यानी हर पल या हर क्षण भी कह सकते हैं अपन इसको। तो हर पल जो है उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई कि उनकी जो सारी थकान थी उनकी जो सारी दुर्बलता, दुर्बलता कहते हैं कमजोरी को, कि उनकी जो सारी दुर्बलता थी वो गायब हो गई। दुर्बलता है कमजोरी, लिखे जा रहा हूँ पठन चल रहा तो सभी लिख देता हूँ ताकि आपको भी परेशानी नहीं होगी। दुर्बलता कमजोरी, ठीक है, दुर्बलता की कमजोरी जो थी गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया, उसको याद आया कि ये लो ये क्या आ गया, अपना ही हार यानी अपने ही गांव खेत आ गए। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआ है कि यही वो कुआ है जहां पर हम पुर चलाने यानी पुर होता है जो कुआ होता है, उस कुएं पर एक मशीन लगी होती है लकड़ी की, जिससे क्या है जब जो पालतू पशु बैल आदि होते हैं उसको उसमें लगा देते हैं मशीन में, जब वो घूमते हैं तो पहिया चलता है और उससे पानी बाहर आता है। तो यहीं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआ है, ये वही कुआ है। मोती ने कहा, पेज संख्या 18 पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। देखो मोती ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारा घर नगीच आ गया यानी पास में आ गया, नजदीक आ गया है, हमारा घर बहुत नजदीक आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है। तो हीरा ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। अब उसने कहा कि मैं तो अब, मोती ने कहा कि मैं तो अब क्या करूंगा, घर भाग रहा हूं। ये जाने देगा, हीरा ने पूछा क्या ये जाने देगा। मोती ने कहा इसे मैं मार गिराता हूं। तो मोती ने जवाब दिया कि इसको मैं भी मार गिराता हूं। नहीं नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। तो हीरा जो था उसने कहा कि नहीं नहीं दौड़कर थान, थान पहले भी आ चुका है, थान मैंने पहले बताया था आपको, हाँ हाँ नहीं वह स्थान, वह स्थान जहां पर पशुओं को बांधा जाता है, ठीक स्थान यानी वह स्थान जहां पर पशुओं को बांधा जाता है। तो हीरा ने कहा कि नहीं नहीं दौड़कर थान पर चलो, कि नहीं नहीं हमें क्या करना चाहिए, दौड़कर हमारा जो बांधने का स्थान है वहां चलना चाहिए, वहां से हम आगे ना बढ़ेंगे, कि वहां से हम क्या करेंगे आगे ना बढ़ेंगे। फिर देखिए आगे, दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त उन्मत्त का मतलब होता है नशे में मां, नशे में। अब नशा काय का था, उनका घर पास में आ गया था, तो उस घर के पास आने की खुशी का जो नशा था उसमें दोनों जो है क्या होने लगे, बछड़ों की भांति कुलेले, कुलेल कुलेले कुलेले ना नहीं कुलेले मतलब उछल कूद, उछल कूद, उछल कूद करते हुए। तो दोनों जो थे क्या हुए, दोनों जो थे उछल कूद जो थे वो उछल कूद करते हुए घर की ओर दौड़े। वे हमारा थान है यानी वे हमारा स्थान है जहां पर हमें बांधा जाता था। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दोनों दौड़े दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, दड़ियल
यानी दाढ़ी वाला आदमी। वो दाढ़ी वाला आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झुरी जो है वो द्वार पर यानी दरवाजे पर बैठा धूप खा रहा था, यानी धूप का आनंद ले रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हीं बारी बारी से गले लगा लगाने लगा। देखो बेलों को देखते ही, क्योंकि झुरी उनसे बहुत प्रेम करता था हीरा मोती से, तो दोनों बेलों को देखते ही वह दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा, यानी उनका आलिंगन करने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मित्रों यानी हीरा और मोती जो दोनों मित्र थे, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। उनमें से क्या हुआ, एक तो झुरी का प्रेम से हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बेलों की रस्सियां पकड़ ली। अब दड़ियल जो आदमी था, उस आदमी ने क्या किया, जाकर बेलों की जो रस्सियां थी वे रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, अब झुरी जो किसान था उसने कहा, मेरे बेल हैं, तुम्हारे बेल कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। अब उसने कहा कि भाई ये मेरे बेल है झुरी ने, तो दाढ़ी वाला आदमी बोलने लगा कि तुम्हारे बेल कैसे, मैं तो मवेशी खाना जो कांजी हाउस था जहां पर आवारा पशु रहते हैं वहां से मैं नीलाम लिए आता हूँ, यानी वहां से इनको नीलामी से मैं खरीद कर लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। झुरी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इनको चुरा कर लेकर जा रहे हो, चुपके से चले जाओ। और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, झुरी ने कहा वे तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे बेल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। और झुरी ने कहा कि ये क्या है, ये मेरे बेल हैं, अगर मैं बेचूंगा तभी तो बिकेंगे। किसी को मेरे बेल नीलाम करने का अख्तियार क्या है। देखो किसी को मेरे बेल नीलाम करने का अख्तियार, अख्तियार क्या है, अख्तियार मतलब अधिकार। ठीक है, अख्तियार यानी अधिकार, कि किसी को मेरे बेल नीलाम करने का अधिकार करने का क्या अख्तियार है, मतलब क्या अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। और झुरी ने जो किसान था उसने उस दाढ़ी वाले कसाई से कहा कि मैं जाकर थाने में रपट लिखा दूंगा, यानी रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। मेरे बेल इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। और झुरी ने कहा कि ये मेरे बेल है, और इसका सबूत क्या है, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार यानी दरवाजे पर खड़े हैं। दड़ियल चिल्लाकर बेलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। दड़ियल जो था, दड़ियल यानी दाढ़ी वाला आदमी, वह झल्लाकर बेलों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। अब वो झल्लाकर यानी गुस्सा करके क्रोधित होकर उनको पकड़ के ले जाने के लिए आगे बढ़ा, तो उसी वक्त मोती जो था उसने उस पर सिंह चलाया। दड़ियल पीछे हटा, तो दाढ़ी वाला आदमी पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, अब मोती जो था उसने उसका पीछा करना शुरू किया। दड़ियल भागा, वो दाढ़ी वाला आदमी भागा, मोती पीछे दौड़ा, मोती उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। गांव के बाहर निकल जाने पर मोती ने उसका पीछा छोड़ा। पर खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था। वहां गांव के बाहर खड़ा खड़ा भी वो दाढ़ी वाला आदमी उनका रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, और वे दूर से खड़ा खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था। पत्थर फेंक रहा था और उन बेलों को मारने के लिए पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और मोती विजयी शूर, शूर यानी
शूर यानी योद्धा, योद्धा शूरवीर भी कह सकते हैं, योद्धा या शूरवीर। तो विजयी योद्धा या शूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग जो थे वे ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दलियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। जब वो दाढ़ी वाला आदमी हार कर वहां से चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट कर आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। हीरा ने कहा कि मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुम क्रोध में आकर उस दाढ़ी वाले आदमी को मार ही ना डालो। अगर वे मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब जो ये मोती ने कहा कि अगर वे मुझे पकड़ने की कोशिश करता तो मैं उसे बिना मारे ना छोड़ता, अब ना आएगा। हीरा ने कहा अब ना आएगा। मोती बोला, आएगा तो दूरी से खबर लूंगा, देखू कैसे ले जाता है। अब उसने क्या कहा, मोती ने कहा कि आएगा तो मैं दूर से उसकी खबर ले लूंगा कि देखे कैसे लेके जाता है। जो गोली मरवा दे, अब उसने कहा अगर मान लो गोली मरवा दी तो उसने मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, कि गोली भी मरवाएगा तो मर जाऊंगा लेकिन कम से कम उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। और मोती ने कहा कि हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। क्यों नहीं समझता है कि शायद हम बहुत ज्यादा सीधे हैं इसलिए। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जरा देर यानी थोड़ी सी देर के अंदर ही नादों में यानी खाने की जो नाद थी उनकी, उस नाद में खली, फिर खली के साथ में भूसा और चोकर दाल की जो थी वो दाना सब कुछ भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। जुरी प्यार से दोनों को प्रेम से स्पर्श कर रहा था, छू रहा था। और बीसों लड़के यानी कई सारे लड़के जो थे तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा माहौल था। देखो तो सारे गांव में उछाल सा, उछाल का उत्साह हो जाएगा। ये क्या है, उछाल का उत्साह हो जाएगा, ये सत्संग तत्वों का चक्कर है भाई, है ना। तो उछाल का उत्साह हो जाएगा, उछाल सा मालूम होता था यानी पूरा गांव में उत्साह सा मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय छुरी की पत्नी जो उनकी मालकिन थी उनने भी क्या किया, आकर दोनों के माथे जो है प्रेम से चूम लिए। तो इसी के साथ में प्रेमचंद का ये अध्याय दो बेलों की कथा जो है समाप्त हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रेमचंद ने इस कहानी के साथ साथ ये उद्देश्य भी दिया है पशुओं के साथ कि स्वतंत्रता जो होती है वो कठिन संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होती है। तो इस कहानी के पीछे ये उद्देश्य भी जो है प्रेमचंद का छिपा हुआ है। साथ में पशुओं के प्रेम के प्रति तो बताया ही है कि किस प्रकार पशु प्रेम जो है वो हमारे यहाँ भारतीय ग्रामीण संस्कृति में है उसके बारे में बताया ही है। अब देखो कुछ प्रश्न अभ्यास दे रखे हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या एक, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। देखो भाई कांजी हाउस जो था उस कांजी हाउस में जो कैद पशु थे उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि उनमें से जितने भी पशु उनमें से कोई भाग तो नहीं गया है या कोई मर तो नहीं गया है तो उन्हें उनका आंकड़ा पता रहे, आकलन मालूम रहे कि कितने पशु बंधे हैं और उनमें से कोई भागा तो नहीं मरा तो नहीं है, इसलिए रोजाना कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। नंबर दो, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया, कि जो छोटी बच्ची थी उनका बेलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। तो भाई छोटी बच्ची जो थी उसका बेलों के प्रति प्रेम इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो जो लड़की थी उसकी माँ जो है उसका देहांत हो चुका था, उसके सौतेली माता थी और वो सौतेली माँ उस छोटी लड़की को रोजाना पीटा करती थी तो वो अपने दुख से दुखी थी और उसी प्रकार से हीरा और मोती की भी जो एक पिटाई होती थी तो इसलिए
वो उनके प्रति अपनी प्रेम रूपी भावना उनको अपने जैसा देखती थी, इसलिए उनकी प्रेम उसके मन में उनके लिए प्रेम उमड़ आया। नंबर तीन, कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं। ये कहानी जो है दो बेलों की कथा, इसमें इनके माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं। देखो नीति विषय यानी जो आचार व्यवहार के नियम होते हैं उनके साथ उनके जैसे कौन से नियम उभर कर आए हैं। तो देखो यहाँ पर हीरा जो है उसके माध्यम से कई सारे नीति विषय जो कथन है वो कहे गए हैं, जैसे स्त्री जात पर सिंह चलाना मना है। जब मोती जो है सिंह चलाने के लिए कहता है वहां पर गया के घर पे स्त्री के ऊपर की मालकी को उठा के पटक दूं, वही इस लड़की को मारती है तो मना करता है कि नहीं स्त्री जात पर सिंह चलाना मना है, और अपने मालिक पर भी सिंह नहीं चलाना चाहते। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई हम जो है हमें हमारा कर्म ही क्या है, जिस जहाँ पर हम रहे उनकी हमें क्या करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए, तो कर्तव्य धर्म निभाना चाहिए। तो इस जगह जगह पर जो है नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं। और दूसरे पशुओं को जो है भाई हम नहीं बचेंगे तो नहीं बचेंगे, कम से कम दूसरों की जान तो बच जाएगी, तो परोपकार की भावना, ऐसे नीति विषय मूल्य आपको जो है लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या चार, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। देखो ये जो कहानी है प्रेमचंद की दो बेलों की कथा, इसमें लेखक द्वारा गधे को मूर्ख ना बताकर सबसे ज्यादा जीवों में सबसे ज्यादा पशुओं में सबसे ज्यादा सीधा और निरापद प्राणी बताया है, जो कभी किसी चीज का विरोध नहीं करता है, उसको जैसी सड़ी गली घास डालते हैं खा लेता है, कितना भी उसको मारो पिट जाता है, मगर बेचारा कभी किसी चीज का विरोध नहीं करता है, विद्रोह नहीं करता है। तो इसलिए जो है एक नए अर्थ में यहाँ पर गधे के लिए संकेत दिया गया है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी। देखो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ आया है दो बेलों की कथा, इसमें कई स्थानों पर ऐसा उदाहरण दिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों गहरे मित्र थे। जैसे सबसे पहले हीरा और मोती को जब खेतों में बेल के अंदर जब दोनों बेलों को जब हल के अंदर जोत दिया जाता था तो दोनों यही प्रयास करते थे कि अपने कंधे पर ज्यादा वजन दें। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, दोनों एक साथ खाना नांद में मुंह डालते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ खाते थे, दोनों मूक भाषा में अपने बात करते थे, और थक जाते थे तो एक दूसरे को चाट चाट कर सुख पहुंचाने की कोशिश करते थे। जब मोती जो है गीले खेत में जो फंस जाता है उसके पुरुष में घुस जाते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, तो हीरा उसे छोड़कर नहीं भागता। उसी तरीके से जब कांजी हाउस में दीवार गिर जाने के बाद में मोती रस्सी के कारण हीरा नहीं भाग पाता तो मोती भी उसको छोड़कर नहीं जाता। तो इस प्रकार की जगह जगह से उदाहरण दिए गए हैं जिससे पता लगता है कि हीरा और मोती की बहुत ही गहरी मित्रता थी। नेक्स्ट देखो, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है ये भूल जाते हो। अब कथन आया था अपने, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यानी स्त्री जाति के ऊपर हमें सिंह चलाना मना है, गलत बात है ये भूल जाते हो। ईरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखो ईरा के इस कथन के माध्यम से जो पाठ पठित पाठ के लेखक प्रेमचंद है उन्होंने स्त्री समाज में जो है सामाजिक स्थिति, क्योंकि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति उस समय ज्यादा अच्छी नहीं थी, स्त्रियों को कूटा पीटा जाता था, तो इस कारण से जो है प्रेमचंद है उनका सामाजिक दृष्टिकोण ये था कि वो ये चाहते थे कि स्त्री को क्या किया जाए उस पर किसी प्रकार का जो है मारपीट ना करके उसको एक सम्मान वाला पद जो है वो समाज में दिया जाना आवश्यक है। तो उनका स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा था प्रेमचंद का, जो कि इस कथन के माध्यम से उभर कर हमारे सामने आया है। नेक्स्ट पेज पर देखें, पेज संख्या 20 पर प्रश्न संख्या 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। देखो किसान जीवन में समाज, किसान जीवन वाला जो समाज है उसमें पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। देखो कहानी में बताया गया है कि झूरी कांची के बाद झूरी कांची जो किसान था उसके पास में पूछाई जाती के दो बैल थे और उनसे वो अत्यधिक प्रेम किया करता था।
उनको वो भोजन डालता और वो भी उससे बहुत उसके घर पर बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। जब उसने अपने साले के घर उन्हें पहुंचा दिया तो वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो वो दौड़कर वापस आ गए अपने मालिक के पास में। इसके बाद में कहानी के अंत में भी जब वो अपनी उस कसाई दड़ियल कसाई से अपना पीछा छुड़ा कर आते हैं, तब दोनों को प्रेम से गले लगा लेता है, उनको प्यार से सहलाता है, भोजन डालता है और उसकी पत्नी झूरी की पत्नी भी जो है उनके माथे चूम लेती है। तो किसान समाज जो है, हमारे यहाँ का जो किसान जीवन वाला समाज है, वो पशु और मनुष्य के बहुत भावात्मक संबंध रहते हैं जो इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखें, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में यानी प्रकाश में उसकी विशेषताएं बताइए। देखो भाई, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। देखो भाई, क्या था कि जब दीवार गिरी तो दीवार गिरने के बाद में हीरा तो मोती रस्सी से बंधा था, लेकिन मोती की दीवार गिरा देने पर जितने भी जो दूसरे पशु थे, भैंसे गधे गाय, वो सब निकलकर भाग गए थे। तो कम से कम उसने कहा कि इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणी जो बनते हैं उनकी जान बच गई, कम से कम हम दोनों नहीं भाग पाए, क्योंकि वो अपने मित्र की वजह से वो भी नहीं जाता है। तो उसने कहा कि हम दोनों नहीं भाग पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम ये बच जाएंगे तो हमें आशीर्वाद तो देंगे, इनके मन से धुआएं तो निकलेगी, तो इसलिए उसने कहा है। और मोती की इस कथन के आलोक में यानी प्रकाश में उसकी विशेषता यही है, वो परोपकार की भावना रखने वाला था, वो दूसरों की भलाई करने का मन रखता था। ठीक है, आशय स्पष्ट कीजिए, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता